से है ये संस्था कृपा किनका है गुरु की मार्ग कैसा रहता है श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
चतुरागी धर्म प्रेमियों एवं समस्त श्रोतागणों, हमारे भारत देश में मनवंतरों की परंपरा चलती है। जब ब्रह्मा जी का 71 युग बीत जाता है तो एक मनु बदल जाती, 14 मनुओं की संख्या श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जो स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध है। उस मनवंतर में यज्ञ पुरुष भगवान ने अवतार लेकर और उस मनवंतर की रक्षा की थी। स्वारोचिस मनवंतर, जिस मनवंतर में 88,000 ऋषियों ने अखंड ब्रह्मचंद्र व्रत धारण करने का संकल्प लिया था, और स्वारोचिस नाम का मनवंतर था। तामस मनवंतर में धर्म की पत्नी सुंदरता के गर्भ से सप्तसेन के रूप में परमात्मा का अवतार हुआ, राक्षसों का संहार किया, उद्धार किया और इस पृथ्वी का सबसे बड़ा बोझ हल्का किया था, पृथ्वी को उस भार से मुक्ति दिलाई थी। तामस मनवंतर, उसमें ग्राह और गजेंद्र का युद्ध हुआ था। भगवान श्री हरि ने अवतार लेकर ग्राह और गजेंद्र दोनों का ही उद्धार किया। गजेंद्र को ग्राह के मुख से मुक्ति मिली और गजेंद्र को भगवान ने अपना पार्षद बनाया। पांचवें मनवंतर में पत्नी विकुंठा सुग्रस्य वैकुंठ सुर सप्तमयी तयो स्वकलया जगे वैकुंठो भगवान स्वयं। वैकुंठ कल्पितो येन लोको लोक नमस्कृता रमया प्रार्थमानेन दिव्या तत्प्रिय कामया। शुभ्र नाम के ऋषि थे, शुभ्र और उनकी धर्म पत्नी का नाम था विकुंठा। सब प्रकार के ईर्ष्या द्वेष घृणा इत्यादि जो दूषित भाव है उससे मुक्त थे। स्त्री धर्म की रक्षा करने वाले, स्त्री धर्म का सम्मान करने वाले, इसलिए उनकी साधना से उनकी सेवा से प्रसन्न होकर परमात्मा ने उनके गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लिया। परमात्मा इस धरती पर कभी कभी पुत्र नाम को सार्थक करने के लिए पुत्र नाम के नरक से जो उद्धार करे उसको पुत्र कहते, और जो अपने माता पिता के सूर्यश को मिट्टी में मिला दे समझो पुत्र नहीं वो मूत्र है माता पिता का, पुत्र कहना ही व्यर्थ। उनके गर्भ से वैकुंठ के रूप में परमात्मा का अवतार हुआ और वैकुंठ भगवान ने
लक्ष्मी देवी की प्रसन्नता के लिए, अपनी स्त्री अपनी जगत जननी माया की संतुष्टि के लिए बैकुंठ धाम का निर्माण किया। जो बैकुंठ धाम है, जिस धाम की प्रदक्षिणा हमारे सप्त ऋषिगण किया करते हैं, लक्ष्मी जी का निवास स्थान, परमात्मा के वक्षस्थल में लक्ष्मी वास करती है और उनका जो गृह है रहने की जगह वो बैकुंठ धाम है। परमात्मा का जो शरीर है वह भी एक धाम है। लक्ष्मी सदैव अचल बनकर उस धाम में वास करती है। लक्ष्मी की तरह चंचला कोई नारी नहीं, कोई स्त्री उतनी चंचला नहीं हो सकती। विद्युत की तरह उनमें स्फुरण शक्ति है, आज हमारे घर में है कल नहीं रहेगी। ऐसा ना सोचो कि आज मेरे घर में लक्ष्मी है तो कल भी रहेंगी, तो कोई गारंटी नहीं। जिनके पास संशक्ति और संतुष्टि का अभाव हो जाता है, लक्ष्मी जी उसका परित्याग कर देती है। आज है कल दरिद्र भी होना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का नाम दरिद्रा है। दरिद्रा कोई दूसरी नहीं है, दरिद्रा बड़ी बहन थी लक्ष्मी की। दरिद्रा के साथ कोई विवाह ही नहीं करता था, जानबूझकर दरिद्रा का वरण कौन करेगा। जब जान जाएगा कि दरिद्रा है, घर में जाएगी तो तबाही मच जाएगी, जानबूझकर फंदा में कौन फंसेगा। भगवान विष्णु अगुआ बने और पूरे त्रिलोकी में भ्रमण करके लौट आए, कोई तैयारी नहीं होता। जब तक बड़ी बहन की शादी नहीं होगी तब तक लक्ष्मी का वरण भगवान कैसे करेंगे। सनातन परंपरा की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने दुर्वासा जी को बुलाया, आपका आप महात्मन, मैं जो आज्ञा दू उसको स्वीकार कर लेना। कहा कि प्रभु ऐसा ही होगा, जो आपका आदेश होगा मैं सब मानूंगा। आप जगदीश्वर हैं, आप परमात्मा हैं, आप नारायण हैं, आप त्रिलोकीपति हैं, आपकी आज्ञा सिरोधार मैं नहीं करूंगा तो इस धरती पर जन्म लेना, ऋषि का चोला धारण करना सब मानव व्यर्थ चला। जो भगवान की आज्ञा नहीं मानते। कहा दुर्वासा जी तुम दरिद्रा के साथ विवाह कर लो। सुना तो दुर्वासा भी कुछ देर के लिए उदास हो गए। यही आज्ञा प्रभु के लिए है, अब करूं तो क्या करूं, कोई बात नहीं, प्रभु का आदेश हो गया, कोई बात नहीं, मैं विवाह करूंगा। विवाह संपन्न हो गया, इधर विष्णु भगवान ने भी लक्ष्मी जी का वरण कर लिया। जब दुर्वासा दरिद्रा को लेकर चले, दुर्वासा जी ने कहा कि चलो हम जिस कुटिया में रहते हैं उसी कुटिया में तुमको भी रहना पड़ेगा। रास्ते में एक स्थान पर कथा हो रही थी भागवत की, एक महात्मा एक बगीचा में कथा सुना रहे थे। बहुत से लोग जनता जनार्दन कथा सुनने के लिए आए थे। दरिद्रा जी ने दुर्वासा से पूछा कि हे पतिदेव ये क्या हो रहा है, ये कौन सी चर्चा है, कौन सी कथा हो रही। कहा भागवत की, भगवान की कथा हो रही, वही चलना है, बैठकर कथा सुनेंगे। विवाह इसीलिए होता है कि पति पत्नी बैठकर भगवान की कथा सुने। कहा कि नहीं, हम तो भागवत नहीं सुनेंगे, धर्म की चर्चा हमें पसंद नहीं है।
कहा कि तब तुम कौन सी कथा सुनोगे। कहा कि जहां मार पीट गाली गलौज धक्का मुक्की होता हो, जहां स्त्री पुरुष दोनों घर में ताल ठोकर बाज जाते हो, भिड़ जाते हो आपस में, रोज कलहकारिणी विद्या का प्रकाश, वहां मैं चलूंगा। एक स्थान पर ब्रह्मचारी हवन कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा बोलकर मूल मंत्र से ओम नमो नारायणाय स्वाहा। कहा कि चलो यज्ञ में भाग लेंगे, हवन करेंगे, आनंद की प्राप्ति होगी, शांति मिलेगी, संतुष्टि होगी। कहा कि नहीं, वहां भी मैं नहीं जाऊंगा, वहां जाना मुझे पसंद नहीं। बाद में दुर्वासा जी ने सोचा कि धर्म का नाश करने वाली ये दरिद्रा श्राप भी दिया और आशीर्वाद भी दिया। दरिद्रा ने भी नारी धर्म को प्राप्त कर लिया था। एक स्त्री का जो स्वभाव होता है, दुर्वासा के श्राप और आशीर्वाद से दरिद्रा जी को भी प्राप्त हुआ, किंतु दरिद्रा का वास नहीं होता है, उनके माथ में कोई सिंह और पूछ नहीं है। कलहकारिणी, असत्य भाषिणी, छल करने वाली, झूठ बोलने वाली जो स्त्री है वो दरिद्रा का ही स्वरूप है। अपनी स्त्री को धोखा देने वाला, अपनी स्त्री को दुख देने वाला, कष्ट देने वाला, यातना देने वाला जो पति है वही दरिद्र है। दरिद्रों का यही स्वभाव होता है, लक्षण होता है। हमारे ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते, क्योंकि छठे मन्वंतर का जब समय आया तो उस समय चाक्षुष नाम के मनु थे। मनु का नाम था चाक्षुष। ये मनु का मतलब सबसे विशाल, जो पवित्रता स्वर्ग वैभव से परिपूर्ण है, जिनका मन शुद्ध हो गया है, जिन्होंने परमात्मा के चरणों में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है, उसको मनु कहते हैं। जो मानव परंपरा की रक्षा करने वाला है, मानवता का आचरण करने वाला है, मनुष्यों को मानवता का संदेश देने वाला, जिसके हृदय में परमात्मा वास करते हैं, जिसमें विचार करने की क्षमता है, ज्ञान को धारण करने की क्षमता है, वो मनु है। चाक्षुष मनु दिव्य दृष्टि को ग्रहण करने वाले, ज्ञान दृष्टि को ग्रहण करने वाले। चाक्षुष मनवंतर में ही समुद्र मंथन हुआ था। बैराज नाम के ऋषि थे और उनकी पत्नी का नाम था संभूति। उसी संभूति के गर्भ से अजीत नाम से परमात्मा का अवतार होता है। परमात्मा का एक नाम है अजीत, जिसको कोई न जीत सके, अजीत है। और जो सब पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको अजीत कहते हैं। अजीत भगवान के नाम से परमात्मा का अवतार हो गया इसी भारत देश में, इसी धरती पर। वैराजस्या भवत सुदा अजीतो नाम भगवान अंशेन जगतपति। अजीत भगवान की शरण में आकर देवताओं ने परम शांति की प्राप्ति की थी। देवासुर संग्राम में अजीत भगवान ने देवताओं की सहायता की थी। देवासुर संग्राम में भगवान कूर्म का रूप धारण करके मंदराचल के आधार बने थे।
समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल की आवश्यकता पड़ी थी। सारे देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस धरती पर चार प्रकार के प्राणियों का जन्म होता है, चार प्रकार के प्राणी, पादौ महीयम सुकृतैव यस्य चतुर्विदो यत्र हि भूत सर्गः सवै महापुरुषाय आत्मतंत्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूति अग्निर्मुखं यस्य तु जात वेदा जात क्रिया कांड निमित्त जन्म अंतः समुद्रेनुपचन स्वधातोन प्रसीदतां न स महाविभूति। एक तो है जरायुज जो पिंड पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है उसको जरायुज कहते हैं। पशु जगत में भी मनुष्य जगत में भी पिंड पैदा करने का हमारा इतिहास है। जो बच्चा जन्म लेता है, जिसको जन्म होता है उसको जरायुज कहते हैं, पिंडज कहते हैं। दूसरा है अंडज, जो अंडा पैदा करते हैं, अंडा से बच्चा का जन्म होता है। तीसरा है श्वेतज, जो पसीना से पैदा होता है, खटमला। और चौथा है उद्भिज, उद्भिज, उद्भिज का मतलब जो पृथ्वी को फोड़ कर पैदा होते हैं, वृक्ष वनस्पति इत्यादि जितने भी हैं, जो पृथ्वी को फोड़ कर पैदा होते हैं। और सब यज्ञ पुरुष भगवान का निरंतर ध्यान ही करते, चिंतन करते, अपने अपने विधान का पालन करना पड़ता है। पशु पक्षियों को भी अपने नियम का पालन करना ही पड़ता है। जिस जोनी में परमात्मा की कृपा बरस गई है उसका यही धर्म है, एक रास्ते से चलना, एक मार्ग से चलना। पशु अपने संविधान का पालन करते हैं, मनुष्य अपने संविधान का पालन करते हैं। यदि मनुष्य पशु की तरह आचरण करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि धर्म ही नहीं ना पशु ही समाना, वह अपने धर्म से गिर चुका है, पशु की तरह आचरण करने वाला हो गया। जब शरीर का परित्याग करेगा तो नाना प्रकार की पशु जूनियों में फिर भटकना ही पड़ेगा। इसलिए बताया अग्निर्मुखम, जो अग्नि है वो परमात्मा का मुख है। अग्नि की सेवा, अग्नि की पूजा पशु पक्षियों ने भी की है, अतिथि की सेवा पशु पक्षियों ने भी किया है, एक कबूतर ने भी किया है। महाभारत में विषय आता है जो एक ब्याह सर्दी से ठिठुरते हुए एक वृक्ष के सानिध्य में पहुंचा था और अपने जाल में एक कबूतर को फंसा कर रखा था। ठंड से उसका शरीर ठिठुर रहा था। उस समय वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे परमात्मन ऐसी स्थिति में अगर कोई अग्नि सेवा कर दे तो हमारी जान बच जाएगी। उस वृक्ष में घोंसला बनाकर एक कबूतरी भी रहती थी। कबूतरी ने जब व्याध का वचन सुना तो उसे प्रभावित हो गई। कबूतरी ने क्या किया, एक लोहार के घर में जाकर उसकी धौकनी से अपने मुख में एक चिंगारी लेकर आती है और कुछ सूखी पत्तियों को बटोर कर संग्रह करके उसमें आग लगाती है। कबूतरी ने अग्नि सेवा करके उस व्याध के जान की रक्षा की, उसकी जान बच गई। जब शरीर गर्म हो गया तो व्याध कहता है, हे परमात्मा
हमारी जान तो बच गई इस कबूतरी की कृपा से, किंतु अब मुझे भूख लगी, कोई मुझे भोजन करा देता तो हमें परम आनंद और शांति की प्राप्ति हो जाती। जब भूख जोर से लगती है तब भोजन करने का आनंद आता है। क्षुधा जब भूख सताती है तो मनुष्य को उस समय कुछ नहीं सूझता, भोजन करने की इच्छा बनी रहती है। कबूतर कहता है, कोई ब्याल कहता है, कोई भोजन करा दे। कबूतरी ने सुना तो सोचती है कि हमारे वृक्ष की छाया में ब्याल पड़ा हुआ है, हमारे घर में आया है, ये हमारा अतिथि है। घर में कोई अतिथि आ जाए और भूखे लौट जाए, ये तो पूरा दोष उस घर वाले को ही लगता है, उसका सारा पुण्य लेकर वो अतिथि चला जाता है। इसलिए मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं प्राणों की बाजी लगाकर भी इस व्याध के जान की रक्षा करूंगी, इसको भोजन कराऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो भंडार नाम की कोई चीज नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं। जो दिन में चारा चर लिए बस उतने हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, किंतु मेरा शरीर तो है। अपना शरीर वो कबूतरी ने क्या किया, अपने आप को अग्नि में डाल दिया, अग्नि में कूद गई। कहकर कि हे व्याल मैं मर जाऊंगी, तुम मुझको खा लेना, यही सबसे बड़ी अतिथि सेवा हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास इसके सिवाय और कुछ भी नहीं। सरासरी वो अग्नि में कूद जाती है। व्याध ने जब इस दृश्य को देखा तो व्याध को वैराग्य हो गया, क्यों, मनुष्य जगत में मेरा जन्म हुआ और जितनी सेवा ये पक्षी जगत में जन्म लेकर कबूतरी ने किया, हम मनुष्य जोनी का आचरण करते हैं, हम मानवता को प्राप्त करने के लिए मनुष्य की जोनी में जन्म लिए, किंतु हमने अब तक कुछ नहीं किया, हमारा जीवन व्यर्थ चला गया, हमारा जीवन पृथ्वी का भार बन गया। एक कहकर जिस कबूतर को पकड़ा था उसको भी जाल से मुक्त कर दिया व्याध ने, और वैराग्य को धारण किया, संकल्प लिया आज से मैं अतिथि सेवा करूंगा, प्राणों की बाजी लगाकर भी। हम अपने कर्तव्य कर्मों से गिर चुके थे, इसलिए आज मैं इस दृश्य को देख रहा हूं। भारत देश के पशु पक्षी भी अतिथि की सेवा अपने प्राणों की बाजी लगाकर करते, पशु पक्षियों ने भी हमारे संविधान का सम्मान किया है, आदर किया है। आज भी जब कथा होती है तो पशु पक्षी भी अपने कान को दोना की तरह खड़ा करके और कथा को सुनती। अग्नि मंथन होता है यज्ञ में, लकड़ियों के घर्षण से आग पैदा होती है, अरणि मंथन होता है और उसे अग्नि उत्पन्न होती है, उसी में कर्मकांड की सारी विधियां संपन्न होती है, आहुतियां पड़ती है। अग्नि मनुष्य के शरीर में भी है और समुद्र में भी है, बिना अग्नि के कहीं भी किसी तत्व की प्राप्ति नहीं होती, अग्नि सब जगह है, सर्वत्र है। पेट में मनुष्य के शरीर में जठरानल के रूप में जाने जाती है और समुद्र में बड़वानल के रूप में जाने जाती है। अन्न जल इत्यादि जो धातुएं होती है उसका पाचन अग्नि के द्वारा होती है। अग्नि यदि मंद पड़ जाए मनुष्य शरीर के अंदर तो मनुष्य का जीवन सुस्त हो जाता है, मंद हो जाता है, पाचन शक्ति समाप्त हो जाती है, तो नाना प्रकार की बीमारियां बढ़ने लगती है। अग्नि की आवश्यकताएं, इससे अपने अग्नि का सम्मान करो,
भोजन ऐसा ही करो एक मनुष्य के योग्य हो। परमात्मा ने जो हमें बतलाया है उस वस्तुओं को ग्रहण करो, उन पदार्थों को ग्रहण करो, तो अग्नि वृद्धावस्था पर्यंत बनी रहती है, उसकी क्षमता निरंतर बनी रहती है। पाचन शक्ति कभी मंद होगी? जब मनुष्य अटपट खाना शुरू कर देता है, जो धर्म के रास्ते नहीं है, जब कोई तामसी भोजन करना शुरू कर देता है, राजस भोजन करना शुरू कर देता है, और मन में सोच लेता है कि खाओ पियो और मौज करो, जे मन में आ जाए से खा ले, जो मन में आ जाए सो पी लो और मौज करो। ऐसा मौज तो पशु पक्षी कुत्ता कुत्ती भी करती, कुतिया भी बच्चा पैदा करती, एगो दोगो नहीं दर्जनों। अब कुतिया भी अपने बच्चे से प्रेम करती, ऐसा नहीं है कि उसके रहते कोई उसके बच्चे को झपट कर ले जाएगा, इतना प्रेम है, जान बाजी लगा देती है प्राणों की अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, वो भी दूध पिलाती है। और मनुष्य का मन भी उसी तरह से जब हो जाएगा तो फिर उसमें और मनुष्य में अंतर क्या रह जाएगा? हम मानव हैं, इस धरती के देवता हैं, परमात्मा सबकी जड़ है। जड़ को पटा देने से डालियां भी हरी भरी हो जाती, शाखाएं डालियां पत्ते जितने सब हरे भरे हो जाती। और पत्ता पत्ता को पटाना शुरू करोगे तो वृक्ष सूख जाएगा। यथा ही स्कंद शाखानां तरोर मूलावशेषनम एवं आराधनम विष्णु सर्वे सामात्मनः। परमात्मा सबकी जड़ है, ये पूरा जगत पूरी सृष्टि सब परमात्मा के ही संतान है। इसलिए कहा कि द्वेष क्रोध डाह की भावना का त्याग करो और अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति होने तक संघर्ष करो। संघर्ष करना बंद नहीं करो, उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्त बरानी बोधता हमारी श्रुतियां कहती, हमारा वेद कहता है, हमारी उपनिषदें कहती है कि उठो जागो और अपने सत्कर्मों में लग जाओ। इस संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निर्दिष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। दुख शोक जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण करना, इसीलिए अजीत के रूप में परमात्मा का अवतार इस धरती पर होता है। यथाग्नि मेधस्य अमृतम च घोषो भूवि अन्नम अमुद्यमने च वृत्तिम योगैर्मनुष्याधियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति। अरयोऽपि हि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहि मूषकवद्देवा हि अर्थस्य पदवीं गतैः न भेतव्यं कालकूटात् दिशा जलधि संभवात् लोभा कार्यो न वो जातु रोष कामस्तु वस्तुषु। यथाग्नि मेधस्य जैसे काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है जुक्ति के द्वारा, दो लकड़ियों का संघर्ष होता है तो उसमें से आग पैदा होती है, उसी तरह से अमृतम चगोसु गाय से दूध की प्राप्ति होती है, जुक्ति से अमृत के समान दूध मिल जाता है।
भूमि अन्नम, इस पृथ्वी से अन्न की प्राप्ति हो जाती है युक्ति के द्वारा। अमुद्य मने च वृत्ति, जल पीने से प्यास बुझ जाती है, युक्ति से जल को पिएंगे तो प्यास बुझ जाएगी। ठीक उसी तरह से जब कोई मनुष्य शरीर धारण करके, कोई मनुष्य कोई मानव मनुष्य की तरह आचरण करता है तो मनुष्य की तरह आचरण करने से उसे देवत्व की प्राप्ति हो जाती है। जब कोई ज्ञान को धारण करता है तो उसके जीवन में परम शांति की प्राप्ति हो जाती है, वो श्रृंखलता समाप्त हो जाती है। जब तक ज्ञान नहीं है, जब तक ज्ञान हृदय में धारण नहीं किया तभी तक समझो कष्ट है दुख है, किंतु वास्तविक ज्ञान को धारण करते ही मनुष्य के जीवन का सारा दुख और संकट मिट जाते। दुख होने पर भी दुख का अनुभव नहीं होता, उसको ज्ञान कहते हैं। और हमें जीवन में चाहिए तो ज्ञान ही चाहिए, व्यवसायिक ज्ञान नहीं, एक धन कमाने वाला ज्ञान होता है। ज्ञान प्राप्त किया, खूब धन संग्रह किया, खूब संपत्ति अर्जित की, समझो कि वह ज्ञान तुम्हारे कल्याण का कारण नहीं बनेगा। उस ज्ञान से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। वह ज्ञान उसी तरह हो जाएगा जो व्यवसायिक ज्ञान है, बहुतों को देखा जाता है सुना जाता है कि कहीं कोई आ रहे हैं कथावाचक तो इतना डिमांड लेकर कहते हैं, डिमांड इतना रुपया हमारे अकाउंट में डाल दीजिए तब आ करके आपके घर में हम ड्रामा शुरू करेंगे। ड्रामा देखिएगा, ड्रामा जो होता है ना ऑर्केस्ट्रा वाला, सब धुन सुनने, वो कथा करने वाला भी बनिया सुनने वाला भी बनिया। कथा का मूल्य नहीं होता, हमारा जो धर्म ग्रंथ है अमूल्य है। चाहे कोई दे या ना दे, श्रद्धा है तो कथा सुनो, कथा सुनाने वाले का ये धर्म है। हम क्यों भागवत जी को बेचेंगे, इतने रुपया में भागवत जी को क्यों बेचना, उतने में मूल्य हो गया बरोबर। मनुष्य का और धर्म ग्रंथ का कोई मूल्यांकन नहीं, इसलिए बड़े बड़े कथावाचक भी मछली की तरह चमक रहे और फंसते भी जा रहे, देखा जा रहा है सुना भी जा रहा है। इसलिए अपने धर्म ग्रंथों का, अपने धर्म का हम स्वयं सम्मान करेंगे। ठाकुर जी की कृपा बरसती रहती है, कोई चीज की कमी होती है क्या मनुष्य जीवन में? शांति और संतुष्टि जब साधु महात्मा ही धारण नहीं करेंगे तो कौन धारण करेगा? आदमी किसके पास जाएगा जो आशा लगा कर आते हैं? उसी तरह से ज्ञान होगा जैसे पंडित जी ने ज्ञान प्राप्त किया था और किसी के घर में कर्मकांड करवाने के लिए गए तो जिद बांध दिया, लड्डू के लिए, लड्डू के लिए घी का लड्डू हम खाएंगे। तो जजमान ने घी का लड्डू बनवाया, तो पंडित जी ने कहीं दिया कि घी का लड्डू हम खाएंगे, बनवाया 5 लड्डू लेकर के दक्षिणा में। पंडित जी अपने घर में आए तो पर्याय जी से टक्कर हो गई। जब घी की सुगंध फैली घर में तो पर्याय जी को लोभ हो गया। पर्याय जी ने कहा कि 3 लड्डू हमको खिला देना और 2 लड्डू तुम खा लेना। पंडित जी ने कहा वाह, जो दिन भर दंडवत घर में करती हो 3 लड्डू खाए, अब दिन भर हम वेद बोले मंत्र बोले, दिन भर मेहनत किया प्रयत्न किया, 2 लड्डू खाएंगे, 3 लड्डू मैं खाऊंगा, 2 लड्डू तुम खा लेना। खाते तो 5 लड्डू, लेकिन अब औरत है तो क्या करना, 2 लड्डू तुमको तो दे देंगे। बात नहीं बनी, वो भी अड़ गई पर्याय में कि जब होगा तो 3 लड्डू पर समझौता होगा,
समझौता नहीं हुई। पंडित जी ने एक शर्त रखी कि हम दोनों सो जाएंगे और जो पहले बोल देगा वो दो लड्डू खाएगा, जो बाद में बोलेगा वो तीन लड्डू खाएगा। शर्त पति पत्नी की भी शर्त होती है, बाजी लग गई, वर्चस्व की लड़ाई आपस में चलती है, हम या तू, कौन पहले बोलेगा, बाजी कौन जीतेगा, बाजीगर कौन बनेगा। रात बीत गई कोई बोलचाल नहीं, मुद्रा 63 की नहीं है 36 की है, मुंह मिलान नहीं है, एक का मुंह उत्तर है का मुंह दक्षिण है। जब 72 घंटे बोले कोई बोलचाल नहीं, गांव वालों ने सोचा कि हमारे गांव में पंडित जी रहते हैं, क्या हो गया इनको, सवेरे सवेरे वेद बोल देते, पर्याय जी गीत गाती थी, दोनों की बोलती बंद हो गई। कुछ संदेह हुआ लोगों को, दरवाजा जब तोड़ा गया तो देखा दोनों एक ही पलंग पर है किंतु 36, कोई बोलचाल नहीं, बिल्कुल शांत दिख रहे हैं, मतलब दोनों मर गए। लोगों ने सोचा दोनों खत्म हो गए, चलो कोई बात नहीं, इनका भंडारा बढ़िया से होगा। चीता सज गई, विमान सजा, दोनों का हाथ पैर पकड़ पकड़ करके विमान में रखा गया, श्मशान भूमि को ढोकर ले गए, सब लोग श्मशान भूमि में भीड़ लग गई। पंडित पड़ियाई जी को अग्नि संस्कार करने गांव की बात है, चीता पर दोनों को रखा गया, अब तक दोनों बोलने को तैयार नहीं है, मरे नहीं है दोनों, बाजी लगी हुई। स्त्री पुरुष की बात है, समझौता होना चाहिए अपने में, जब अपने में कलह करोगे तो कौन समझाएगा, संसार के लोग नहीं समझाएंगे, और तमाशा देखेंगे, इनकी दुर्दशा को आंखों से देखना चाहते। आग लगाने की बारी आई, अब भी बोलने को तैयार नहीं। जब प्रदक्षिणा होने लगी कि अब तो किसी ने कहा कि पंडित जी के शरीर में पहले आग लगाना चाहिए, किसी ने कहा कि ना पहले पड़ियाई के शरीर में आग लगाओ, यही नियम कहता है, यही हुआ वो हो रहा था। पंडित जी ने सोचा कि इस रावण के चक्कर में मैं फंस गया, अरे लड्डू जलेबी तो रोज खेवे करते थे, एक कौन सा लड्डू आया कि तमाशा बन गई, मरने के बजाय बचना ही बढ़िया है, हम क्यों मरे इसके चक्कर में। पंडित जी उठकर बैठ गए चीता पर, जब आग लगाने की बारी आई तो उठकर बैठ गए, अब पड़ियाई जी के देह पर धवा धव मारना शुरू कर दिया, कहा कि अरे राण चल, तीन और दो का झंझट छोड़े, पांचों तो ही डके थे, खिसा खत्म करो। तो पड़ियाई जी भी उठकर बैठे, पड़ियाई जी ने कहा कि यही बतिया पहले कहता है, समझौता हो गया। गांव के लोगों ने सोचा कि तो जिंदा प्रेत बन गया, प्रेत और भूत के बारे में केवल सुना गया है, देखा नहीं है, ये तो जिंदा दर्शन होता है, प्रेत के बारे में सुना आज देख लिया, भागदड़ मच गई श्मशान भवन में, गांव खाली हो गया। दोनों पंडित पड़ियाई जब आए अपने गांव में तो पंडित जी कहते थे पड़ियाई जी से कि देख लिया ना हमारी करतूत, गांव में एक आदमी नहीं है। पड़ियाई जी कह रही थी कि तो हमारे कारण ऐसा हुआ। जब महीना दिन के बाद जब लोगों ने वृतांत सुना तब गांव में लोग आकर बसे, ये है ज्ञान की दुर्दशा। इसलिए वास्तविक ज्ञान जिसको पाने के बाद जीवन में कोई झंझट नहीं आते, कोई कलह का अंश नहीं दिखता, सारी कला सारी समस्याएं जिसका समाधान हो जाती है, वो वास्तविक ज्ञान है। हमारा जो भागवत दर्शन है, जो भागवत की कथा है,
उस सारे संशय को मिटाने वाली कथा है। अगर चित्त में कोई भ्रम हो गया हो, भ्रांति हो गई हो, तो अपने जीवन में भागवत जरूर सुनना चाहिए। अगर घर में अकाल मृत्यु होती हो तो अकाल मृत्यु का समाधान करने की क्षमता भागवत में ही है। धुंधुकारी के लिए गोकर्ण ने 100 बार गया में श्राद्ध किया था, किंतु उद्धार नहीं हुआ। तब सूर्य नारायण ने कहा, गोकर्ण जी तुम अपने भाई का कल्याण चाहते हो तो उसे भागवत सुनाओ। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। जब भागवत का सप्ताह वाचन हुआ तो प्रेत की जोनी से धुंधुकारी का उद्धार हो गया। जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं किसी कारणवश, तो उसका उद्धार भागवत के द्वारा ही होता है, क्योंकि परमात्मा का प्रवेश भागवत में है। भागवत भगवान का वांग्मय विग्रह कहा जाता है। भागवत को ग्रंथ नहीं समझना चाहिए, ये भगवान का विग्रह है, परमात्मा का स्वरूप है। भागवत में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी प्रत्यक्ष रूप में वास करते हैं कलयुग में। परमात्मा का वचन है कि जो भागवत को सुनेगा, जो अपने घर में भागवत ग्रंथ को रखेगा, जो भागवत भगवान की आरती करेगा, उसके घर में कलयुग का प्रवेश नहीं होगा, नहीं होगा। समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट 20 का प्रादुर्भाव होता है। 20 जीवन में अगर प्रयत्न करोगे तो पहले 20 ही निकलेगा, कड़वा लगेगा, कठोरता आएगी जीवन में, फल ना के बराबर होगा। सुखदेव जी कहते हैं घबराना नहीं, जब किसी काम में लग गए हैं अगर कार्य सफल नहीं हो रहा है तो घबराना नहीं चाहिए और न तो लोभ करना चाहिए। जब कालकूट 20 का प्रादुर्भाव हुआ, देवता घबरा गए, असुर गण भी घबरा गए, क्योंकि मंदराचल को मथानी बनाया गया था, बांसुरी नाग की रस्सी बनाई गई थी, देवता और असुर दोनों मंथन कर रहे थे। सबसे पहले अजीत भगवान बांसुरी नाग के मुख के तरफ लग गए और जितने दानव थे सब पूंछ के तरफ लगे, किंतु दानवों को यह अच्छा नहीं लगा कि देवता मुख के तरफ लगे हैं और हम सब पूंछ पकड़े हुए। जो सांप का पूंछ होता है अमंगल होता है। हम देवताओं से किसी बात में कम नहीं आएंगे, फिर हम पूंछ क्यों पकड़ेंगे? यही तो है ईर्ष्याग्रस्त विचार, हम किसी से कम नहीं। आसुरी बुद्धि यही है, तामसी बुद्धि है, जो धर्म के विरुद्ध अपना पक्ष रखने वाला है। स्वाध्याय स्रोत संपन्न प्रख्याता जन्म कर्म भी। हमने भी स्वाध्याय किया है, हम सब एक पिता के संतान है, हमने भी धन संग्रह किया है। हम न धन में कम आए, न विद्या में कम आए और न तो बल में कम आए, फिर हम पोछी क्यों पकड़ेंगे? जब पकड़ेंगे तो मुंह ही पकड़ेंगे। तो अजीत भगवान ने देवताओं को इशारा कर दिया कि मुख का भाग छोड़ दो, हम लोग पूछ पकड़ लेंगे। जैसा असुर लोग कहते हैं मानो, आसुरी जो बुद्धि होती है उसका विरोध भी नहीं करना चाहिए, शांति से समाधान करो। जितने असुर गण थे सब मुख के तरफ, देवता पुच्छ के तरफ आ गए, अच्छा ही हुआ। जब बांसुरी नाग ने 20 उगलना शुरू किया तो जितने दानव थे सब झुलस गए,
मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। कितने लोग चकनाचूर हो गए। वो मंदराचल सोने का मंदराचल था, कोई सामान्य सी बात नहीं है। नीपतन सा गिरीश तत्रा बहुना मरदानवान चूर्णयामास महता भारे न कनका चला। इतना वजन लेकर डूबा कि देवता भी मूर्छित हो गए, असुर भी मूर्छित हो गए। उस समय परमात्मा ने कुर्म का रूप धारण किया, कछुआ का रूप। अजित भगवान कछुआ बन जाते। कछुआ की पीठ ऊंची होती है और बहुत दृढ़ मजबूत। कछुआ का रूप धारण किया मंदराचल को धारण करने के लिए। ऐसा लगता था मानो कोई खुजली खुजला रहा, खुजली की तरह अनुभव हो रहा है, जैसे सिर पर कोई सरसों का दाना घूम रहा है। भगवान ने अमृतमय दृष्टि से देवताओं को दानवों को स्वस्थ किया। फिर समुद्र मंथन का आरंभ होता है। उच्च सर्वा नाम का एक घोड़ा निकलता है, उसका नाम था उच्च सर्वा। बहुत उच्च गति से चलने वाला, तीव्र गति से चलने वाला, उसको राक्षसों ने पसंद किया। वो दानवों के पास चला गया। भगवान ने देवताओं से कहा था जो जो दानव गण पसंद करे उसमें विघ्न नहीं करना, क्योंकि उसी वस्तु को पसंद करेंगे जो उनके योग्य होगा। जो आसुरी बुद्धि से संपन्न होगा उसी को पसंद करेंगे। उच्च सर्वा नाम का घोड़ा पसंद किया, तथा उच्च सर्वा नाम हयो भो चंद्र पांडु रहा। वह पांडु रंग वाला था, उसको पसंद किया। फिर बाद में कौस्तुभ नाम की एक मणि निकल गई। कौस्तुभाग्यम अभुत रत्नम पद्म रागो महोदय, जो भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल में धारण किया। कौस्तुभ मणि भगवान नारायण अपने वक्षस्थल में धारण करते, कोई देवता उसे धारण नहीं करते। नारायण परमात्मा का वो आभूषण है कौस्तुभ मणि। वो मणि को धारण कर लेने से सर्वत्र ये सृष्टि प्रकाशमान रहती है, प्रकाश का साम्राज्य बना रहता है। और उसके बाद ऐरावत नाम का हाथी भी निकला और स्वर्ग लोक का आभूषण बन गया। उसके चार दांत थे, श्वेत वर्ण वाला, स्वर्ग का आभूषण बना। इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है। ऐरावत पर चढ़कर ही इंद्र युद्ध करते हैं, यात्रा करते हैं। समुद्र मंथन से अप्सराएं निकली जो स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने के लिए सब स्वर्ग लोक में चली गई। समुद्र मंथन से ही लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होता है। लक्ष्मी स्वर्ग से ही, समुद्र मंथन से चंद्रमा का प्रादुर्भाव होता है, इसलिए चंद्रमा को हम मामा कहते हैं। मामा, मामो, मामो कहते हैं। चंद्रमा का भी जन्म समुद्र से होता है और लक्ष्मी जो जगन माता है उनका भी आविर्भाव समुद्र से होता है। लक्ष्मी सबकी माता है, सबकी माता। इसलिए चंद्रमा को मामू कहा गया। दोनों में भाई बहन का संबंध है। माता जी का जो भाई होता है वही मामू कहा जाता है। लक्ष्मी जी का वरण करने के लिए बड़े बड़े देवता तरस रहे थे। लक्ष्मी जी वर माना लेकर घूम रही है कि हमारे योग्य वर कहां मिलेगा, मैं किसका वरण करूं। सबसे पहले तो दुर्वासा जी मिले बैठे हुए बड़ी शांत मुद्रा में।
शांति से जब मैं बैठूंगा तो लक्ष्मी जी मुझको वरण कर लेंगी, क्योंकि शांत दूल्हा चाहिए। थोड़े समय के लिए दिखाएंगे शांति, अब बाद में फिर तो अपन स्वरूप हमारा है ये। लक्ष्मी जी परख जाती है कि दूल्हा तो बड़ी बढ़िया है किंतु तपाकी है, ऐसा दूल्हा हमें नहीं चाहिए। कब क्या करेगा, क्या धरेगा, इसकी क्या ठिकाना। बगल में मार्कंडेय ऋषि बैठे थे, लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये भी बढ़िया है किंतु इसकी आयु का कोई ठिकाना नहीं। हमारा दूल्हा ऐसा नहीं चाहिए कि आज है और कल नहीं रहेगा, शाश्वत अजन्मा चाहिए, नित्य अविनाशी, जिसका कभी विनाश न हो। बहुत से ऋषि मुनि बैठ गए, दानव लोग बैठे, राहु केतु भी बैठा, किंतु लक्ष्मी जी ने सबको अयोग्य माना। सनकादिक मुनि भी बैठे, लक्ष्मी जी ने सोचा कि दूल्हा तो बहुत बढ़िया है किंतु विवाह करना चाहते ही नहीं है। ये अखंड ब्रह्मचारी है, देखने में 5 साल के लगते हैं किंतु पूर्वेषाम अपि पूर्वजा, ये पूर्वजों के भी पूर्वज है। अगर 5 साल के दूल्हा का मैं वरण कर लूं तो भी अच्छा नहीं माना जाएगा। हमारे योग्य चाहिए, यह है तो पूर्वजों के पूर्वज, किंतु इनकी अवस्था 5 वर्ष की, ये विवाह भी करना नहीं चाहते, ये अखंड ब्रह्मचारी है। इसलिए लक्ष्मी जी ने बगल में भगवान नारायण भी विराजमान थे, नारायण भगवान के गले में वरमाला अर्पण कर देती है, बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारायण को ही अपना सर्वस्व मान लेती है। समुद्र मंथन से धनवंतरी भगवान का प्रादुर्भाव होता है। अमृता पूर्ण कलशम बिभ्रद बलय भूषिता सवै भगवत साक्षात विष्णोरंशांश संभव। समुद्र मंथन की तरह मन को भी मथने की जरूरत है, ये मन भी समुद्र की तरह है, ये मन को भी समुद्र मानो पयोधि, सब प्रकार के विषयों को धारण करने वाला, जैसे अगाध जल को धारण करने के कारण उसको समुद्र कहते हैं, उसी तरह से सब प्रकार के विषयों को धारण करने के कारण ये मन है, मन बड़ा चलायमान है, प्रमथन करने वाला है, सब पर शासन करने वाला है। मन को भी मथो, जब भगवान की कथा सुनेंगे तो मन का मंथन होगा, जब मन का मंथन होगा तो आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। समुद्र मंथन से जैसे अमृत निकलता है, उसी तरह से जिसका मन शुद्ध हो गया तो समझो कि इस मन में मनमोहन जगदीश्वर परमात्मा का अखंड वास हो गया। मन यदि शुद्ध है तो मनुष्य शरीर से आचरण होगा, मानवता का आचरण, और यदि मन अपवित्र हो गया तो समझो कि शरीर से गंदगी निकलना भी शुरू हो जाता है, आचरण दूषित हो जाता है। जब आचरण दूषित हो जाएगा तो फिर चरित्रहीनो न पुनंति वे रहा, आचरण भ्रष्ट व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। वेद क्या करेगा जब इसके लिए कोई प्रयास ही नहीं किया, जब कोई संघर्ष ही नहीं किया, जो कर सकता है मनुष्य, मनुष्यों में विचार करने की क्षमता है और कोई प्राणियों में नहीं। मनुष्यों में विचार करने का प्रावधान है, ज्ञान को धारण करने का प्रावधान है। इसलिए
भगवान धनवंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट होते हैं, तो उसी कलश के लिए छीना झपटी होती है, अमृत कलश के लिए। दैत्यों ने अमृत का कलश छीन लिया, जो कमजोर दैत्य थे वो धर्म की दुहाई देते हैं कि हिस्सा तो देवताओं को भी मिलने चाहिए। आपस में कलह हो गई, तामसी भाव जागृत हो गया आपस में। नीतः कलीर भूतेषाम तदर्थे तर्स चेतसाम अहम पूर्वम न त्वम इति प्रभाव। पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, तू तू मैं होना शुरू हो गया। यही है आसुरी प्रवृत्ति। पहले तो छीना झपटी करेगा कि हमारा हो जाएगा, और जब हमारा हो गया तो आपस में भी छीना झपटी हो रही। आसुरी जो प्रवृत्तियां है ना, अपने में भी शांति नहीं लेने देती, कलह हो जाती है, आपस में भी लोग मर मिटने को तैयार हो जाते। इसलिए कहा कि आसुरी संपदा का परित्याग करो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मासु चा संपदम दैवी अभिजातोषि भारत। जो दैवी संपदा है मोक्ष के लिए है, जो आसुरी संपदा है वो कलह के लिए है। जिससे कलह की प्राप्ति होती है उस संपत्ति के लिए ना मरो, क्योंकि हमारा जीवन उसके लिए नहीं है। हमारा जीवन सात्विक मार्ग से यात्रा करने के लिए प्राप्त हुआ है। बड़े संयोग से ठाकुर जी की कृपा हुई है, उसका लाभ प्राप्त करो। इतने में भगवान ने एक सुंदरी स्त्री का भी रूप धारण कर लिया। अब कलशामृत को छोड़कर लोग उस स्त्री की ओर झपट पड़े। वो स्त्री कहती है कि असुर गणों, मैं हूं उल्टा स्त्री, हमारा कोई भरोसा नहीं, कब किधर कब किधर। अब तुम सब हो कश्यप के पुत्र, कथम कश्यप दायादा पुंसल्या मई संगता विश्वासो पंडितो जातु कामिनी सुनयाती। जो सज्जन पुरुष होते हैं कामिनी और कांचन में विश्वास नहीं रखते, तुम सब हमारी तरफ क्यों आ रहे हो। असुरों ने कहा कि देवी एक ही प्रस्ताव है मेरा, अमृत के लिए जो लड़ाई हो रही है तुम उस लड़ाई को मिटा सकती हो, तुम्हारी सुंदरता से मैं मुक्त हो चुका हूं। अमृत का जो कलश है वो कलश मैं चाहता हूं, हम सब असुरगण चाहते हैं कि तुम्हारे हाथों में दे दो, अब तुम जिसको चाहो अमृत पिला दो, हमारे लिए मान्य होगा। आकर्षण और आसक्ति हो गई, कोई चाहना नहीं है किंतु उस कामनी की सुंदरता में असुरगण आसक्त हो गए। जब आसक्ति होती है तो मनुष्य अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है उसके लिए, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, कभी क्षण क्षण में नारुष्ट हो जाता है, कभी तो प्रसन्नता भी हो जाती है। कभी स्त्री को तो मारपीट करना भी शुरू कर देगा, कभी स्त्री की बोली में सट भी जाएगा। इससे बड़ा कुछ नहीं है, और कभी अपनी स्त्री को यातना देना भी शुरू कर देगा। ये आसुरी स्वभाव है, इसको सात्विक स्वभाव नहीं कहा जा सकता। आसुरी वृत्ति जो क्षण क्षण में नारुष्ट हो जाए, क्षण क्षण में प्रसन्न हो जाए, जिसका स्वभाव स्थिर नहीं हो पाता वो आसुरी स्वभाव वाला कहा जाता है, आसुरी वृत्ति वाले थे। इसलिए अपना अमृत का जो कलश था वो मोहिनी के हाथों में दे दिया, और मोहिनी ने तुरंत बंटवारा कर दिया।
पंक्तिबद्ध तरीके से बैठाया। अब देवताओं को अमृत पिलाते हैं और उसी अमृत पिलाते समय राहु केतु का प्रवेश हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु का प्रवेश होता है। देवलिंगा प्रतिच्छन्ना स्वर्भानु देव संसदे प्रविष्टा सोमम पिवत चंद्रार्काभ्याम च सूचिता। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पोल खोल दी। भगवान को बतलाया कि ये तो राक्षस है, राक्षस अमृत का एक बूंद पी चुका था। भगवान विष्णु ने उसका शिरश्छेदन कर दिया। चक्र सुदर्शन से जो शिर था वो राहु बना, जो धार था वो केतु बना। वही तो बदला लेने के लिए राहु का आगमन होता है। आज भी सोचिए 5123 वर्ष कलयुग बीत गए, 432,000 वर्ष कलयुग की आयु है मनुष्य की गणना के अनुसार। मनुष्यों का जो एक वर्ष होता है देवताओं के एक दिन के बराबर होता है। जो मनुष्यों का 360 वर्ष होता है वो देवताओं के एक वर्ष के बराबर होता है। दिव्य वर्ष इतने द्वापर में दुगुने, तीन गुने, त्रेता में चार गुने, सतयुग में आयु थी। देवासुर संग्राम सतयुग के अंतिम चरण में हुआ था, त्रेता काल के शुभारंभ में राहु का सिर काटा गया था। आज कलयुग ने इतना भोग लिया, 5100 वर्ष से ज्यादा बीत गए, अब तो भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगी रहा है। राहु से निवृत्ति पाने के लिए देवगुरु बृहस्पति देवलोक में निरंतर महामृत्युंजय का जप कर रहे। लोग कहते महामृत्युंजय का जप करा लेंगे तो सारे ग्रह खत्म हो जाएंगे। ऐसा हो रहा है क्या? अब तक इतने समय बीत गए, अभी तक जाप चल रहा है निरंतर, अब तो भी राहु मानने को तैयार नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित राजा, और राहु कोई देवता से नहीं डरता ना कोई ग्रह से डर लगता है। राहु को अगर डर है तो केवल चक्र सुदर्शन से डर है। इसलिए भगवान सूर्य और चंद्रमा की रक्षा करने के लिए अपना सूर्य अपना चक्र सुदर्शन नियुक्त कर दिया है। और चक्र सूर्य लोक और चंद्र लोक की चौकसी करता है, पहरेदारी करता है। जब चक्र को देखता है तो राहु को भागना पड़ता है, और जितने समय तक वो ग्रस्ता है उसी को ग्रहण काल कहते हैं। ग्रहण सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लग जाते हैं, चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लग जाते हैं। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का प्रावधान है। ब्रह्म सरोवर में भगवान श्री कृष्ण ने भी स्नान किया है। चंद्र ग्रहण में गंगा स्नान करने का नियम है। ग्रहण काल में भोजन न करना, नहीं तो पेट में असाध्य रोग पैदा होगा और अकाल मृत्यु हो जाती है। वो पेट का रोग मिटता नहीं है क्योंकि सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता है। देव मंदिरों में पट बंद हो जाते हैं, देवता उदास हो जाते हैं, देवता भोग स्वीकार नहीं करते। फिर कोई मनुष्य जगत में जन्म लेकर भोजन करेगा तो उसका कल्याण कैसे होगा? ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के अवसर पर महापर्व का सम्मान किया जाता है। ग्रहण के अवसर पर हवन करना, दान करना अच्छा माना जाता, उसका नाश नहीं होता। जाप करना, अनुष्ठान करना, मौन रहना, ग्रहण के अवसर पर बड़बड़ाना नहीं, किसी की निंदा आलोचना नहीं करेना, नहीं तो जो बाल बच्चा पैदा होगा पागल प्रकृति वाला होगा, अगिया बैताल हो जाएगा, धर्म से भ्रष्ट होगा, चरित्रहीन होगा, माता पिता को कलंकित करने वाला होगा। इसलिए कहा ग्रहण का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए।
देवताओं को अमृत की प्राप्ति हो गई। हमारे सुखदेव जी महाराज भागवत में वर्णन करते हैं, केवम सुरासुर गणा समदेश काल हित्वर्थ कर्म मतयो पिफले विकल्पः तत्रामृतं जगदधु इव पुण्य श्रेष्ठं विश्वस्य हेतुरुदया स्थिति संयमाना। एवं सुरासुर गणा समदेश काल, एक ही वस्तु के लिए समुद्र मंथन हुआ था और एक समय में हुआ था, अलग अलग समय में नहीं। एवं सुरासुर गणा समदेश काला हेत्वर्थ कर्म मतयो भी फले भी कल्पा तत्रामृतम सुरगणा फलबंज साप हो यत पाद पंकज श्रयणान्य दैत्या। एक ही हेतु था अमृत की प्राप्ति करना, दो कारण नहीं थे, एक समय में एक मुहूर्त में हुए और एक वस्तु की प्राप्ति करने के लिए समुद्र मंथन हुआ, किंतु उस वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर भी फल में बहुत बड़ा अंतर हो गया। ये असुर गण अमृत पान से वंचित रह गए, उनका परिश्रम व्यर्थ चला गया। क्यों? इसलिए कि देवता भगवान की शरण में थे, सात्विक आचरण करने वाले भगवान के शरणागत थे। मैं जो कर रहा हूं ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, मेरा अपना कोई बल नहीं है, मेरे पास जो ताकत है जो बल है सब परमात्मा का बल है, परमात्मा की शक्ति काम कर रही है, हमारी कोई शक्ति नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो फल की कामना से मुक्त थे और असुरों में अपनी शक्ति का भी मन था। मैं जो मंथन कर रहा हूं अपनी शक्ति से कर रहा हूं, धर्म के विरुद्ध आचरण करने के कारण, आसक्ति हो जाने के कारण, प्रमाद हो जाने के कारण, अहंकार हो जाने के कारण ये असुरगण फल से वंचित रह गए। हमारे सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे परीक्षित राजा, कोई भी कर्म करते समय भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे तो तुम्हारे सारे स्वार्थ पूरे हो जाएंगे, इस धरती पर भी सुख की प्राप्ति होगी और धरती का परित्याग करोगे तो परलोक में भी देवता सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। यदि अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई कर्म करता है तो कर्म करने वाले को थकावट हो जाती है और स्वल्प फल मिलता है, ज्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा मिलेगा और उससे संतुष्टि नहीं होगी, नहीं होगी। ठाकुर जी को अर्पण करने की भावना से यदि कोई कर्म करता है सात्विक कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए तो थोड़ा ही मिलेगा किंतु संतुष्टि जनक होगा, बहुत मिला, कमी नहीं होगी, क्योंकि उसके पास संस्कार होते हैं। जब महादेव जी ने सुना कि हमारे प्रभु ने स्त्री का रूप धारण कर लिया, मोहिनी रूप, ऐसा मोहिनी रूप धारण किया है कि आज तक ऐसी स्त्री का दर्शन हमने कभी किया ही नहीं, हमारी पार्वती भी उसके सामने तुच्छ है, कुछ नहीं। इसलिए पार्वती से प्रार्थना करें, हे पार्वती बरान ने जरा वैकुंठ लोक की मैं यात्रा कर लो। यात्रा करते वृषभ पर सवार होकर वैकुंठ जाती, भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु शंकर जी कहते कि अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणहीन सोहम तद्द्रष्टुमिच्छामि यत ते योषित बपुर धृतम येन सम्मोहिता दैत्या पायिताश्चामृतम सुराः
तब दिदृक्षवायाता परम कौतूहलमीना। आपके जितने अवतार अब तक इस धरती पर हुए, चाहे वो नरसिंह अवतार हो, चाहे परशुराम अवतार हो, चाहे वामन अवतार हो, चाहे व्यास अवतार, राम अवतार, सारे अवतारों का दर्शन हमने किया है। हयग्रीव का अवतार, हंस का अवतार, संकादिक मुनियों का अवतार, कपिल का अवतार, सारे अवतारों को देखा, दर्शन किया है प्रभु, किंतु मोहिनी माया का रूप नहीं देखा। भगवान विष्णु ने कहा कि महादेव जी, हे कैलाशनाथ, हमारी जो माया है ना, बड़ी खतरनाक है। एक बार सुदामा जी ने माया देखी थी द्वारकापुरी में रहकर। सुदामा जी ने कहा कि प्रभु जरा माया दिखा दो। भगवान ने कहा कि सुदामा माया देखना चाहते हो? कहा कि हाँ प्रभु, अब वही रह गया है। माया के बारे में सुना है कि जो है वो लुप्त हो जाना और जो नहीं है वो प्रकट हो जाना, उसको दिखा दो। भगवान ने कहा कि ठीक है, वह मस्तु, चलो बिना नहाए धोवाए माया कैसे देखोगे? वो ऐसा थिएटर वाला फिल्म नहीं है कि जैसे मन होगा वैसे घुस कर जाकर देख लो। हमारी माया को देखने के लिए पहले स्नान करना पड़ता है, नया वस्त्र धारण करना पड़ता है, तब माया का दर्शन होता है। कहा कोई बात नहीं, चलो। गए गोमती किनारे, द्वारिकापुरी में गोमती नदी है, समुद्र का जल गोमती में आता है और दोपहर होते होते सब समुद्र में चला जाता है। गए तो भगवान तो स्नान करके घाट पर आ गए, पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा से कहा कि सुदामा तुम जाकर स्नान करो, डुबकी लगाओ। जब सुदामा जी डुबकी लगाने गए, जैसे ही डुबकी लगाई, प्रभु ने माया का दर्शन तुरंत करा दिया। सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई, पानी तो कमरे भर था, किंतु सुदामा को लगा कि बाढ़ आ गई, नजर बंद हो गई। देख रहे सुदामा की चारों तरफ पानी है पानी है, अगाध जल राशि, अब तैरने के सिवाय जान बचाने के लिए दूसरा कोई उपाय, हाथ पैर फटकना शुरू कर दिया। कितना पटकेगा जब कोई घाट ही नहीं दिख रही है, कोई किनारा ही नहीं दिख रहा है, हाथ पैर कितना पटकोगे? सुदामा थक गए, हाल बेहाल हो गए, जान बचाओ जान बचाओ जोर जोर से चिल्ला रहे। तब तक एक गांव मिल गया। गांव के कुछ लोग नदी के किनारे बैठे थे, उनका हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया, सुदामा की जान बच गई। सुदामा ने बहुत आभार प्रकट किया और ग्रामीण जनों को, आप लोगों की कृपा से मेरी जान बच गई, नहीं तो आज तो मैं छलिया के चक्कर में पड़ गया था, उसने तो मुझको धोखा दे दिया, बहुत भारी धोखा दिया। ऐसी मित्रता होती है क्या? संसार के लोग कहते हैं कि कृष्ण से मित्रता करो, हमारा तो ऐसा मित्र निकला कि अगर आप लोग नहीं होते तो हमारी जान तो आज पानी में चली जाती। उस देश के राजा की मृत्यु हो गई थी, एक राजा की जरूरत थी। गांव के लोगों ने कहा कि सुदामा जी, हमारे गांव का यही नियम है कि एक झूमती हुई हथिनी आएगी और आपके गले में माला डाल देगी। हथिनी जिसके गले में माला डाल दे वही हमारे देश का राजा होगा। इतने में एक हथिनी झूमती हुई आ गई और सुदामा जी के गले में माल्यार्पण कर दिया। सुदामा उस देश के राजा बन गए। अब सुदामा की बुद्धि तो और चढ़ गई कि हम कृष्ण से कम है क्या? अब जब मैं द्वारिका जाऊंगा तो हथिनी पर बैठ कर जाऊंगा, सेना को साथ में लेकर जाऊंगा, एक राजा की तरह उनसे मिलूंगा, भिखारी की तरह नहीं। एक कृष्ण क्या समझता है अपने मन में, जो मेरे को धोखा दिया,
अगाध जल राशि में डुबाने का प्रयत्न किया, किंतु आप लोगों की कृपा से हमारी जान बच गई। सुदामा जब राजा बने तो सुदामा को विवाह भी हो गया, राजा बन गए ना, बड़ी बढ़िया सुंदरी कन्या से विवाह हुआ, समय से दो बच्चे भी हो गए। सुदामा को पत्नी में बड़ी आसक्ति हो गई थी। जब धर्म सभा में भी जाते थे ना पार्लियामेंट में, तो अपनी औरत को लेकर के जाते थे और उसी का मुंह देखते रहते थे। कोई जनता जनार्दन जानू में जाए, अपने औरत को देखते रहते थे, वो अगर ना हो तो उसकी फोटो लेकर जाते थे। ऐसी आसक्ति हो गई सुदामा को। गांव के लोगों ने सोचा कि हमारे देश का जो राजा पागल हो गया है, मंदमती वाला, ये अपनी स्त्री को ही निहारता रहता है, ना कोई विधान बन रहा है, ना कोई कानून बन रहा है, ना कोई काम हो रहा है। स्त्री में इतनी आसक्ति हो गई कि एक दिन उनकी स्त्री मर गई। जब बानर का बच्चा मर जाता है ना, तो भी अपने बच्चा को चिपका करके बनरिया रखती है, जब तक उससे दुर्गंध न पैदा हो। लाश जलाने की इच्छा नहीं करते थे सुदामा जी, नहीं, इतनी बढ़िया स्त्री इसको जला देंगे। कोई कहता था कि चलो चीता तैयार है, अपनी स्त्री का संस्कार करो, नहीं नहीं, नहीं। इतनी बढ़िया औरत इसको जला देंगे। गांव के लोगों ने कहा सुदामा जी चिंता ना करो, हमारे गांव का एक और नियम है कि यदि स्त्री पहले मर जाए और पति जिंदा हो, तो दोनों का हाथ पैर बांध करके एक ही चीता पर रख दिया जाता है और दोनों में आग लगा दी जाती है, तुमको भी जला देंगे। कहा मैं जिंदा हूं, कहा कि तो भी हमारे देश का जैसा नियम होगा वैसा करेंगे, यही नियम है। अब सुदामा जी ने पत्नी का रोना बंद कर दिया, जो हाय पत्नी कर रहे थे, कैसे मर गई हमारे छोड़कर, अब अपने लिए रो रहे, हमारी जान कम से कम बचे तो फिर बाद में शादी कर लेंगे। कहा कि हो गया काम खत्म, अब तुमको जलाएंगे, अब दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जब चीता पर दोनों के हाथ पैर बांधे गए रखे गए, आग लगाने की बारी हुई, तो भगवान ने अपनी माया तुरंत खींच ली। सुदामा कहीं गए नहीं थे, जहां कृष्ण थे वहीं सुदामा थे। स्वप्न में ऐसा लगता है कि मैं मर गया हूं, हमारी लाश जलाई जा रही है, जब निद्रा भंग होती है तो पता चलता है कि मैं वही हूं जहां से मैं चला था। भगवान ने रोते हुए सुदामा को देखा, कहा सुदामा क्यों रो रहे हो, अभी तो इसी घाट पर हो, एक श्रेणी ऊपर मैं हूं और दूसरी श्रेणी पर तुम हो, क्यों रो रहे हो। सुदामा ने कहा कि प्रभु जिसको मैं अभी अभी देख रहा था वो क्या था। वो भगवान ने कहा सुदामा यही हमारी माया है, माया में दो शब्द है, माया, मान निषेधात्मक है या हकारात्मक, जो वस्तु ना हो उसको भी दिखा दे वही प्रभु की माया है। परमात्मा मायापति है और माया उनकी दासी है, माया परमात्मा को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, माया दासी बनकर उनकी सेवा करती है। हम संसार के चक्कर में फंसे हैं, इसलिए माया मुझे संकट पैदा करती है, माया से मुक्ति पाने के लिए मायापति नारायण का सानिध्य स्वीकार करो, मायापति नारायण की शरणागति करो। भगवान शंकर जी ने देखा कि एक सुंदरी स्त्री वैकुंठ लोक में उद्यान में विचरण कर रही है, बस पार्वती को भूल गए शंकर जी और उस माया का पीछा करने के लिए चल पड़े, और माया स्त्री का रूप धारण करके भागने लगे और शंकर जी ने उसका पीछा किया। सरित सरस शैलेशो
वनेषु पवनेषु च यत्र चासनृषयः तत्र सन्निहितो हरः। वनों में, जंगलों में, उद्यानों में, वृक्ष की आड़ में लुक छिप करके कभी पकड़ में आ जाती, कभी फिसल जाती, भाग जाती, अपनी आंचल को छिपा छिपा कर ऐसी माया रची कि शंकर जी की समाधि उस समय टूट गई, उनका तेज स्खलित हो गया, जो धरती पर सोने चांदी की खाने बने। बाद में जब आत्मज्ञान हुआ तो शंकर जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभो त्वं ब्रह्म पूर्णम अमृतम विगुणम विशोकम आनंद मात्रम अविकारम अनन्यतन्यत् विश्वस्य हेतु हृदय स्थिति संयमानाम आत्मेश्वरश्च तदपेक्षतयानपेक्षा। हे प्रभो, आपको किसी वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं, परमात्मा आनंद से परिपूर्ण है, किसी की कोई चाहत नहीं, आनंदमय परमात्मा है और पूर्ण है। अगर समुद्र से एक बूंद जल निकाल भी लिया जाए तो समुद्र को क्या क्षति हो सकती है। उसी तरह से हे प्रभो, यदि आपसे कोई तत्व को निकाल भी लिया जाए तो आपकी पूर्णता ज्यों की त्यों बनी रहती है। आप अखंड हो, आप तर्क के विषय नहीं हो, कोई तर्क के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, कोई अपने मन के द्वारा भी वहां तक नहीं पहुंच सकता, कोई चर्म चक्षुओं के द्वारा भी उनका दर्शन नहीं कर सकता, कोई पैर से चल करके भी उस परमपति परमात्मा को नहीं देख सकता। ऐसी प्रार्थना की भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते, कहा महादेव जी आपका जो अखंड ज्ञान है वो सदा सर्वदा बना रहेगा, आपकी जो अखंड ज्योति है कभी मंद नहीं होगी, आप हमारे बीच का जो संवाद है इस धरती पर कोई मानव श्रवण कर लेगा तो उसका जीवन निहाल हो जाएगा, उसका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, पशु पक्षी भी पवित्र हो जाएंगे। जिस धरती पर ये समुद्र मंथन की कथा होगी, हमारे और आपके बीच के संवाद कोई कहेगा, वर्णन करेगा, वो धरती वैकुंठ बन जाएगी, उस धरती में एक संस्कार आ जाएगा इस कथा को जो श्रवण करेगा। असद विषय मंग्रिं भाव गम्यं प्रपन्नान अमृतम अमरवर्या नाशयत सिंधु मध्यम कपट युवती वेशो मोहयन्यः सुरारिं तमहमुपसृतानां काम पूरं नतोऽस्मि। सभी प्रकार की कामनाओं पर विजय प्राप्त करने वाले महादेव जी ने भगवान की शरणागति की है। भाव गम्यम प्रपन्ना, जिसका भाव शुद्ध हो जाता है भगवान उसके हृदय में अखंड रूप से वास करते हैं। आज की कथा का यही विषय है, आप प्रेम से भगवान की कथा सुनेंगे आपका कल्याण होगा, मंगल होगा। और कल तो महाशिवरात्रि है, महादेव जी का विवाह महोत्सव भी मनाया जाएगा इस धरती पर सर्वत्र। और कल भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जन्म महोत्सव भी मनाया जाएगा रात्रि में। कल पंचम दिवस है, पंचम दिवस में भागवत की कथा के अनुसार जन्म महोत्सव मनाया जाता है, हम सब भी मनाएंगे। और कल का जो प्रसाद होगा वो माखन मिश्री वाला होगा, वो मिश्री दांत तोड़ने वाली नहीं, बढ़िया मिश्री अपने अपने घरों से लाएंगे और इतना लाएंगे कि एकदम पर्वत की तरह हो जाए, ढेर पूरा
माखन मिश्री का भोग लगेगा और वही प्रसाद वितरण किया जाएगा। कल के समय में दध्योदन भी भगवान का बहुत पसंद है। दध्योदनम का प्रसाद, दही भात का प्रसाद, जिसको ठाकुर जी प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं। कल के समय में उसी का भोग लगना चाहिए, लगेगा, भगवान की बड़ी प्रसन्नता हो रही है, इसमें कतई संदेहास्पद नहीं है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। Yeah।
श्री हनुमान जी I'm gonna make it.
रस परिषत रसिकन तू शरदा से आरती
उतारू गुरु मर के तिलक सोहे देखी देखी मन मोहे भाल में तिलक सोहे देखी देखी मन मोहे भाल में तिलक सोहे देखी देखी मन मोहे भाल में तिलक सोहे देखी देखी अवतारी उपकारी भया हरि बानी स्वामी अवतारी उपकारी भया हरि बानी स्वामी अवतारी उपकारी भया हरि बानी स्वामी अवतारी उपकारी भया हरि बानी ब्रह्मचारी बानी शक्य के पुजारी बानी बाल ब्रह्मचारी बानी शक्य के पुजारी बानी बाल ब्रह्मचारी बानी शक्य के पुजारी बानी बाल ब्रह्मचारी बानी शक्य के पुजारी बानी
जाया काल गोर बन के तपस्वी के धैलन भेष अमृत उपदेश Oh, my God.